हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्तकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री 2024-25 की जो हमारी पी सीरीज़ चल रही है, उसमें हम आज आंतरिक प्रवास को पढ़ने वाले हैं। भारत भूगोल का यूनिट 3 का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये हमारी पी सीरीज़ का 47वां भाग है। इसके पहले हम इसके 46 भाग कर चुके हैं, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और ये मेरी बुकलेट है जो आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स के साथ मिलती है यूनिट 3 की, उसी में से ही मैं ये क्वेश्चन आपको करा रही हूँ। टॉपिक है भारत में आंतरिक प्रवास के प्रतिरूप। जिन्होंने भी हमारे प्रीलिम्स के नोट्स लिए होंगे उनको वॉल्यूम 3 यूनिट 3 की जो बुकलेट मिलेगी उसमें सबसे लास्ट जो सेकंड टॉपिक है वो यही है, तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। भारत में जनगणना में प्रवास की गणना जो है 2 आधारों पर की जाती है। देखो, प्रवास क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, वो प्रवास कहलाता है। अब बोल रहे हैं कि भारत में जो जनगणना होती है उसमें प्रवास की गणना 2 आधारों पर की जाती है, एक तो जन्म का स्थान और दूसरा निवास का स्थान। यदि जन्म का स्थान गणना स्थान से भिन्न है तो जीवन पर्यंत प्रवासी के रूप में जाना जाता है। मतलब जन्म का स्थान, जैसे कि यदि आपने उज्जैन में जन्म लिया है और आप गणना इंदौर में करवा रहे हैं, तो आपका जो आप हमेशा जीवन पर्यंत प्रवास, मतलब गणना के ही ऊपर डिपेंड रहता है। दूसरा है निवास का स्थान, तो यदि निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न है तो इसे निवास के पिछले स्थान के प्रवासी के रूप में जाना जाता है। जैसे कि आप इंदौर उज्जैन के हैं और इंदौर में रह रहे हो, आपका पहले उज्जैन में हो गया और अब इंदौर में रह रहे हैं, तो आपको माना जाएगा कि आप वहाँ से थे, उज्जैन से थे और अभी इंदौर में रह रहे हैं प्रवास के तौर पर। तो इस प्रकार ये 2 प्रकार से प्रवास की गणना की जाती है। प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं कि प्रवास जो भारत में प्रवास की जो गणना है वो किन 2 रूपों में की जाती है, तो जन्म के स्थान और निवास के स्थान के रूप में की जाती है। अगला पढ़ते हैं। भारतीयों की एक खास विशेषता होती है कि वे अपनी भूमि नहीं छोड़ना चाहते, अर्थात 90% व्यक्ति अपने जन्म स्थान में ही निवास करते हैं। बहुत ही रेयर केसेस होता है जिनके घर में कोई रोज़गार का साधन नहीं होता है, तो व्यक्ति जो होते हैं वो दूसरे स्थान पर जाते हैं। अदरवाइज 90% जो व्यक्ति हैं अपने जन्म स्थान पर ही निवास करते हैं। 1901 में 9.27% व्यक्तियों की गणना उनके जन्म स्थान से दूर हुई थी। कितनी हुई थी? 9.27। उसके बाद 1911 में यह गिरकर 8.7% हो गई और 1921 में पुनः बढ़कर 9.8% ये हो गई थी। 1951 में संपूर्ण जनसंख्या का केवल 5.5% ही जन्म स्थान से दूर रहता था। 1961 से 71 में बात की जाए तो 3.3 एवं 3.5% था, मतलब प्रवास का जो स्तर है वो कम होता गया था। 1961 से 1971 के मध्य जिन राज्यों में प्रवासियों का अधिक रहा वे थे उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा। याद रखना तो कहाँ पर जो मध्य मतलब कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रवास रहा, तो उत्तर प्रदेश, नाम याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, केरल में, फिर पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा। जिन राज्यों में अप्रवास हुआ है, अप्रवास मतलब जिन राज्यों में प्रवास बिल्कुल नहीं हुआ है, लोग आए हैं गए नहीं हैं, तो जिन राज्यों में अप्रवास हुआ है तो अप्रवास वाले राज्य हैं महाराष्ट्र, दिल्ली, उड़ीसा, असम, मेघालय। मतलब महाराष्ट्र ऐसा राज्य है कि जहाँ से लोग रोज़गार की तलाश में बाहर नहीं जाते हैं, मतलब यहाँ पर सबसे कम प्रवास जो प्रवासी की वो देखी जाए कि सबसे कम प्रवास कहाँ पे हुआ है तो महाराष्ट्र में ही हुआ है। और सबसे अप्रवास कहाँ पे देखा गया है, तो वही प्रवास कम या अप्रवास एक ही नाम है, तो ये भी महाराष्ट्र में हुआ। आपने देखा है महाराष्ट्र जहाँ पे जिसको बॉलीवुड नगरी बोला जाता है, यहाँ पे इतना ज़्यादा रोज़गार है कि हर किसी को काम मिल ही जाता है, तो लोग यहाँ पे जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो कहीं जाते ही नहीं है। महाराष्ट्र के लोग बहुत ही रेयर है कि कहीं दूसरी जगह जाकर रोज़गार ढूंढें, महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र में ही रहते, मतलब जिनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है वे महाराष्ट्र में ही रहे हैं, महाराष्ट्र से बाहर नहीं गए हैं। अब कुछ हम टेबल से देख लेते हैं। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास 1961 की स्थिति देखिए। ग्रामीण नगरीय मतलब जो गांव से नगर में गए हैं वो प्रवास कितने हुए हैं, तो सबसे पहले ग्राम से ग्राम में देखें तो 56.74% पुरुष गए हैं और महिला 81.30%, ये शादी करके या कोई रोज़गार की तलाश में गई हैं।
इसके बाद ग्रामीण से नगरीय, ग्रामीण से ग्रामीण कितना हुआ है, ग्रामीण से ग्रामीण हुआ है 56 और 81। ग्रामीण से नगरीय कितना हुआ है, तो पुरुष गए हैं 25.6% और महिलाएं गई हैं 9.73%। नगर से गांव का बहुत ही कम प्रतिशत होता है कि कोई नगर से गांव जाए, 4%, लगभग 4.5% पुरुष गए हैं और 3.15% महिलाएँ गई हैं। नगर से नगर की बात की जाए तो 13.06% पुरुष और 5.82% महिलाएं। ये 1971 की स्थिति, 1961 की स्थिति। अब 1971 में अगर देखा जाए तो ये जो है ना, ये जो प्रकार है, ये प्रवास के प्रकार होते हैं। भारत में आंतरिक प्रवास के कितने प्रकार हैं, आपसे मैंने आपको प्रैक्टिस सेट करवाया था ये प्रवास वाला। आपको मेरे नोट्स दो पैकेज के रूप में आते हैं, एक तो प्रीलिम्स के थ्योरी नोट्स आते हैं जिसमें 10 बुकलेट मिलती हैं, और एक प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट आता है। यूनिट वाइज 11,500 MCQ तैयार किए गए हैं, इसकी आपको 2 बुकलेट मिलती हैं। तो ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में तैयार किए गए प्रैक्टिस सेट है। हर फैक्ट, हर क्वेश्चन वहाँ पे कवर किया है उस प्रैक्टिस सेट में। थ्योरी आप पढ़ ही रहे हैं और प्रैक्टिस सेट भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में करा चुकी। तभी जब भी मैंने वो प्रवास वाला टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करा रही थी, तभी मैंने आपको ये बताया था कि प्रवास जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, प्रवास कितने प्रकार के होते हैं, 4 कौन से, ग्राम से ग्राम में, ग्राम से नगर में, नगर से ग्राम में और नगर से नगर में। ये आंतरिक प्रवास के प्रकार होते हैं। 1971 में पुरुष गए थे गांव से गांव 53.53 और महिलाएं 77.75। गांव से नगर की बात की जाए तो 25.99 गए थे पुरुष और 10.52% गई थी महिलाएं। नगर से गांव की बात की जाए तो नगर से गांव में बहुत कम है, 6.53 पुरुष है और 5.05% महिलाएं हैं। नगर से नगर की बात की जाए तो 13.95% पुरुष हैं और 6.69% महिलाएं हैं। 1981 में देश की लगभग 30% जनसंख्या ने किसी न किसी रूप में अपने जीवन काल में आंतरिक प्रवास अवश्य किया है। 1981 की स्थिति अगर देखते हैं हम चार्ट में, तो गांव से गांव में कितना रहा है, पुरुषों का 45.48 और महिलाओं का, मतलब ये प्रतिशत आप देखना कि गांव से गांव में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का प्रतिशत ज़्यादा रहा है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अब हमने 1961 देखा, 1971 देखा, 1981 देख रहे हैं, तो देख रहे हैं गाँव से गाँव में महिलाओं का प्रतिशत ज़्यादा रहा। एक गाँव से दूसरे गाँव महिलाएँ ज़्यादा नहीं हो सकता है, ये जो आंकड़ा है, ये जो महिलाएँ शादी करके एक गाँव से दूसरी जगह जाती हैं उसमें हो। गाँव से नगरीय की बात की जाए तो 29.97 पुरुष हैं और 12.45 महिलाएं हैं। नगर से ग्रामीण की बात की जाए तो 6.97% पुरुष हैं और महिलाएं 5.53% हैं। नगर से नगर में क्या है, 17.34% पुरुष हैं और महिलाएं 8.64% हैं। 1991 की जनगणना में 22.4% तथा 2001 की जनगणना में अंतरराज्य प्रवास देश में 25% तक पहुंच गया था। मतलब 1991 की जनगणना में अप्रवास कितना हो गया था, ये पूछ सकते हैं, 22.4% और 2001 की जनगणना में कितना है, 25%, और 2011 की जनगणना में ये 35% हो गया है। 2001 में 25% था आंतरिक प्रवास, 2011 में 35% पहुंच गया और 1991 की जनगणना में 22.4% ये था। अब 1991 का आंकड़ा देखें तो गांव से गांव में 18.24 पुरुष हैं और 81% महिलाएं। देखो यहाँ भी गांव से गांव महिलाएं ज़्यादा हैं। गांव से नगरीय की बात की जाए तो यहाँ भी महिलाएं, शादी के कारण महिलाओं का प्रवास ज़्यादा रहा, 45% पुरुष और 54% महिलाएं। नगरीय से ग्रामीण में भी 91 में महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों से ज़्यादा ही रहा है। नगरीय से ग्रामीण में 33.7% और महिलाएँ 66.26%। नगर से नगर में पुरुष 43.6% और महिला 56.36%। अब देखें भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास 2001 में, तो ग्रामीण नगरीय जो प्रवास रहा था गांव से गांव में 15.19% और महिलाओं में 84.81%। ग्रामीण से नगरीय में पुरुष का 47.4, महिलाओं का 52.59। नगरीय से ग्रामीण में पुरुष का 45.13 और महिलाओं का 54.87। नगरीय से नगरीय की बात की अगर की जाए तो नगरीय से नगरीय में पुरुष 34.98 और महिलाओं का कितना हो जाएगा, महिलाओं का 65.02 ये प्रतिशत हो जाएगा 2001 में।
2001 में स्थानांतरित जनसंख्या का प्रतिशत बढ़कर 35 तक पहुंच गया था, ये याद रखिएगा। जनसंख्या का जो स्थानांतरित जनसंख्या मतलब जो प्रवासी जनसंख्या है वो कितनी हो गई थी, 35%। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। ये हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट है, आप ये देख सकते हैं यूनिट वाइज ये प्रैक्टिस सेट है। इसमें 11,500 प्लस एमसीक्यू हैं, हर यूनिट के लगभग 1,000 प्रश्न हैं, जबकि यूनिट 6 के, यूनिट 8 के, यूनिट 1 के और यूनिट 5 के करीब 1400 से 1500 एमसीक्यू हमने कवर किए हैं। इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो 499 की है और इसकी हार्ड कॉपी 1399 प्लस कुरियर चार्ज है। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप हमसे ये टेस्ट ले सकते हैं। बहुत ही शानदार ये टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट एमसीक्यू सीरीज़ है। हर यूनिट के इसमें प्रश्न दिए गए हैं, हर यूनिट के, हर टॉपिक के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये कवर किया है। इसके अलावा ये हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के थ्योरी नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। ये टोटल 10 बुकलेट आपको इसमें मिलेंगी, जो जो सिलेबस में 10 यूनिट बटी हुई हैं उसी के अकॉर्डिंग ये नोट्स हैं। इसमें जो मैं अभी आपको करा रही हूँ वो ये यूनिट 3 का नोट्स है, यूनिट 3 की ये बुकलेट है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में ये कवर की गई है। तो अगर आप हमारी ये थ्योरी नोट्स लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन लेना चाहते हैं या दोनों लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। एक और बहुत बड़ी खुशखबरी, कल या परसों से हमारे पेपर 4 की बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। पेपर 4 में आपको ये मेंस की बात कर रही हूँ, मेंस के पेपर 4 में आपको ये टोटल 4 बुकलेट मिलेंगी, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, जैसा कि हमेशा ही होता है। नोट्स को कवर किया गया है, हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है, संपूर्ण सिलेबस प्रश्नोत्तर श्रृंखला में कवर किया गया है। हर टॉपिक के जितने मैक्सिमम प्रश्न बन सकते थे उन प्रश्नों को कवर किया है, तो आप ये परचेस कर सकते हैं। अभी पेपर 4 तैयार हुआ है, साथ में पेपर 5th भी आप ले सकते हैं। पेपर 4 और 5th तैयार हो चुके हैं, तो जो भी इसको परचेस करना चाहें वो परचेस कर सकते हैं। हैंड रिटन रेडीमेड मटेरियल स्पेशली वो लोग जो कि तैयारी घर पर रह के नहीं करते, मतलब ऑफिस में जाते हैं, उनके पास समय नहीं रहता है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो ये रेडीमेड मटेरियल हमारा मेंस का ले सकते हैं। जल्दी इसकी क्लासेस भी हम स्टार्ट कर देंगे। बात की जाए अब 2011 की, हमने पढ़ा था अभी 2011 में जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो 35% तक पहुंच गया था। ग्रामीण से ग्रामीण कितना रहा था इसमें प्रवास, 47.40। ग्रामीण से नगरीय में कितना रहा था, 22.60। नगरीय से ग्रामीण में 22.10 और नगरीय से नगरीय में 7.90। ये पूरा प्रतिशत रहा था प्रवास का 2011 में, याद रखिएगा। 35% 2011 का था और 2001 का था 25%, उसका 1991 का जो था वो था 22.4%। ये वही प्रतिशत ग्रामीण नगरीय प्रवास का ये ग्राफ में बना दिया है। ये ग्राफ को आप अगर मेंस में भी, ये टॉपिक है, इन ग्राफ को आप मेंस में भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा और जो आंसर आप लिखोगे वो पढ़ करने में भी बहुत अच्छा लगेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आंतरिक प्रवासियों की कुल संख्या 45.36 करोड़ है, देश की जनसंख्या का लगभग 37% है। ग्रामीण से जो ग्रामीण हुआ था वो 47.4, ग्रामीण से नगरीय 22.6, नगरीय से ग्रामीण 22.1 और नगरीय से नगरीय 7.9% रहा था। हाल ही में लॉकडाउन के कारण लोगों का व्यापक 50% पलायन देखने को मिला था, जिसका प्रमुख अंतर राज्य प्रवासियों द्वारा बड़े पैमाने पर आगमन है। ये देख सकते हैं आप, ग्रामीण नगरीय जो ग्रामीण नगरीय नगरीय जो पर चार्ट है आप इसको इस द्वारा समझ सकते हैं। पूरा 2011 में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में प्रवास की संख्या ज़्यादा, ये आपसे पूछ सकते हैं पुरुषों और महिलाओं में किस में प्रवास अधिक होता है, तो महिलाओं में होता है, जिसका कारण विवाह प्रवास है, मतलब मैरिज माइग्रेशन है, मैरिज के कारण इधर उधर जाना पड़ता है। वर्तमान में परिवहन के साधनों में वृद्धि, परिवहन की बारंबारता में वृद्धि, साधनों का विकास, लोगों में अच्छी शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा शक्ति में वृद्धि होना, चिकित्सा स्वास्थ्य की विकसित सुविधाओं का लाभ उठाने के कारण भी आंतरिक प्रवास बढ़ता जा रहा है। प्रवास की धाराएं कौन कौन सी हैं, तो हम इसे आंतरिक प्रवास मतलब देश के भीतर तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास देश के बाहर में वर्गीकृत किया है। और भारत में आंतरिक प्रवास के अंतर्गत 4 धाराओं की पहचान की गई है, ग्राम से ग्राम, ग्राम से नगर, नगर से ग्राम और नगर से नगर, ये 4 प्रकार होते हैं प्रवास के। ग्राम से ग्राम प्रवास यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2011 की जनगणना में भारत के कुल आंतरिक प्रवास का 47.4% भाग इसी प्रवास से हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डाटा पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा।
इसका कारण था बृहद स्तर पर लड़कियों की शादी होना, क्योंकि लड़कियों की शादी हुई जिसके कारण ये आंकड़ा एक जगह से दूसरे जगह पर लड़कियां गई, जिसके कारण ये आंकड़े का प्रतिशत बढ़ गया। नहर निर्माण, ईंट निर्माण, गृह निर्माण तथा कृषि संबंधी कार्यों में मजदूरों की आपूर्ति के लिए भी प्रवास हुआ। 1961 से 2001 तक में यह प्रवास अन्य प्रवासों की तुलना में सर्वाधिक है। 2001 में देश का कुल प्रवास 15.9% था, महिला प्रवास 84.81% ग्राम से ग्राम की ओर हुआ। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। अगर नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। साथ में आपको महत्वपूर्ण जानकारी आपको स्टेटस के थ्रू मिल चुकी है, मिलती रहेगी अगर आपका नंबर मेरे पास सेव रहेगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा जीके वित्तकांक्षा के नाम से, तो आप वो भी देख सकते हो। और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी आपको वहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इंस्टा की लिंक भी आपको वहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये पूरा चार्ट, चार्ट के द्वारा भी आप समझ सकते हैं ग्राम से ग्राम प्रवास 1961 से 2001 की स्थिति में। आप देख सकते हैं कि जो पुरुष का प्रवास 1961 में ज़्यादा था 1971 में, लेकिन जो पुरुष का प्रवास 1991 में 2001 में बहुत कम कम है। बाकी सभी जगह में ग्राम से ग्राम में प्रवास देखा जाए तो महिलाओं का प्रवास ज़्यादा है कंपैरिजन टू पुरुष। भारत में कुल आंतरिक प्रवास का 22.1% भाग ग्राम से नगर में हुआ है। यह प्रवास मुख्यतः पुरुष प्रधान होता है, जो ग्राम से नगर होता है ना वो पुरुष प्रधान होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती जनसंख्या तथा घटती कृषि जोतों ने बेरोजगारी और नगरों में रोजगार के अवसर पैदा कर दी हैं। तो ये याद, 2001 की बात करें तो कुल प्रवास पुरुष प्रवास 43.41 और महिला 62.59% रहा था। ये चार्ट द्वारा आप उसको और समझ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, ऐसा आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।